सुनो भाई देखो, जो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें टॉपिक करवाया था वो था बैड डेब्ट का। बैड डेब्ट सबको आ गया? किसी इसको नहीं आया बताओ, पीछ के मारना है। सुनो एक बार, देखो एक बार हल्का सा रिवाइज करवा दे रहा हूँ। बैड डेब्ट का है क्या? देखो भाई, बैड डेब्ट का मतलब पहले जो हमारे पास हो जाता है, सुनो भाई, जो डेटर होता है ना, जो हमारे पास क्या है कि डेटर है, जब वो पेमेंट नहीं करता, ठीक है, वो क्या है कि डिड नॉट पे। भाई देखो, जब वो क्या है पेमेंट नहीं करता, उसे हम क्या बोलते हैं? बैड डेट बोलते हैं, ठीक है। इसकी दो दो टाइप्स हो सकता है। एक तो भाई फुल्ली, मतलब कि उसने बिल्कुल पेमेंट नहीं करी, ठीक है। वो क्या, मान लो 10,000 रुपए थे, ठीक है, कितने थे? 10,000। उसने क्या करे भाई, 10 के 10,000 पे ही नहीं किए, भग गया, ठीक है, कुछ भी पे नहीं किए। उसके बाद अगला होता है पार्टली। भाई पार्टली अंदर क्या, वो कह रहा भाई 2,000 छोड़ दे, ठीक है, और तेरे को मैं 8,000 रुपये दे दे रहा हूँ, ठीक है, 8,000 दे दिया। 2,000 उसने क्या किया, देख मैं 2,000 दे नहीं पाऊंगा, तू मेरे से 8,000 ले ले, वो ले ले, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने इसकी एंट्री वगैरह करवाई थी। जिसने रजिस्ट्रेशन 7 तो नहीं किया, एक बार कर लेना, ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा। देखो उसके बाद इसकी एंट्री क्या होगी, जब ना कोई, जैसे मान लो तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन लिखा आता है कि राम अ डेटर प्रूव्ड बैड, ठीक है, तो मान लो अगर 2,000 का डेटर था, पूरा का पूरा बैड हो गया वो, उस टाइम क्या एंट्री होगी भाई? यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा बैड डेब्ट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, 10,000 है यहाँ पे, तो 10,000 और टू डेटर अकाउंट। भाई देखो, अगर किसी का नाम होगा ना, तो नाम लिख देना, ठीक है, मतलब ब्रैकेट में नहीं, यहाँ पे लिख देना। जैसे मान लो राम है, तो टू राम अकाउंट, इस तरीके से, ठीक है, तो टू डेटर अकाउंट कितना है भाई? 10,000। बताओ, पहले फुल्ली वाली बात समझ में आ रही है? देखो भाई, मैंने बैड डेब्ट को डेबिट क्यों किया है? क्योंकि बैड डेब्ट मेरा एक लॉस है, लॉस बढ़ गया ना भाई, जब भी जो कोई सा मेरे पास लॉस है, अगर बढ़ता है तो डेबिट, और घटता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं बात करता हूँ पार्टली वाले की, ठीक है। पार्टली की एंट्री कैसे होगी? देखो इसमें, इसने मेरे को कितने रुपए दे दिए? 8,000 रुपए। देखो भाई, मैंने ना हमेशा बताया कि जब भी तुम कोई सी एंट्रीज वगैरह करते हो, तो पहले तुम्हें समझना होता है किस चीज को डेबिट करना है, किस चीज को क्रेडिट करना है, ठीक है। अब देखो, तो मेरे पास क्या है, 8,000 यहाँ पे है। अच्छा जरा कुछ सोचो, मेरे पास क्या हुआ होगा, लॉस कितने का हुआ है यहाँ पे? लॉस कितने का हुआ है? 2,000 का लॉस हुआ है। देखो टोटल था 10,000 रुपये का था, उसने 2,000 रुपये नहीं दिए, तो 2,000 का बैड डेब्ट हो गया, जो डेटर है वो बैड हो गया, ठीक है। कैश कितना मिल गया होगा हमें, कैश या बैंक? 8,000 मिल गए होंगे। पूरा डेटर कितने खत्म हो गया? 10,000 का डेटर खत्म। देखो यहाँ पे क्या हुआ, डेटर पूरा 10 का था, 10 का 10 खत्म हो गया। लेकिन जो पार्टली वाला है भाई, उसने क्या करा, मेरे को थोड़ी सी पेमेंट दे दी, थोड़े रुपए नहीं दिए, और बाकी डेटर पूरा खत्म, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, पहले मेरे पास आएगा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, वो कितने से? 8,000। भाई 8,000 उस बंदे ने पे कर दिया ना, तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है। लॉस कितने का हुआ है? बैड डेब्ट के नाम से आएगा, तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 2,000 और टू डेटर अकाउंट। बताओ भाई, यही बात है ना, 10,000 का डेटर है। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा देखो, आगे ना इसके जो क्वेश्चंस वगैरह आते रहेंगे, एक ही टॉपिक है ना ये, तो बैड डेब्ट वाला, ठीक है, आगे जो इसके क्वेश्चन आएंगे वो इसी में कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगली बात करते हैं, देखो अब क्या है। अच्छा ये बात समझ में आ गई पहले? देखो भाई, अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, भाई अगली हेडिंग डाल लो, और जो सेकंड थी वो है, अब है बैड डेब्ट रिकवर्ड। देखो भाई, पता क्या होता है, कभी कभार ना ऐसा हमारे पास ऐसा हो जाता है कि मान के चलो कि मेरा एक दोस्त था, ठीक है, अब वो ना दिल्ली में रहता था बहुत साल से, अब जैसे मैंने उसको 1,00,000 रुपए दिए, गांव चला गया है। अब तो भाई मैं थोड़ा फैल गया भाई, बैड डेब्ट हो गया, अब तो डेटर मेरा बैड हो गया ना, ठीक है। पता क्या हुआ उसके बाद ना, मुझे पता था अपनी बहन की शादी करने गया था वो, ठीक है, कह रहा भाई देखते तो पहले मेरे से आते, कह रहा अच्छा मान ले कि अगर मेरी बहन की शादी है तो कितने, कम से कम कितने रुपए गिफ्ट देगा? भाई कम से कम 10,000 दे दूंगा, ठीक है, मान ले तूने दे दिया, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि भाई तूने 1,00,000 रुपये दे दो ना, मैं हाँ 90,000 ले ले, ठीक है। तो देखो अब क्या हुआ उस टाइम,
भाई बैड डेब्ट रिकवर का मतलब क्या है, हमें लगता है पहला बंदा भाग गया, ठीक है, बाद में क्या होता है, हाँ भाई पता लग गया, हाँ ठीक है बंदा ना नहीं भागा नहीं है, आ गया वापस आ गया, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो जब भी मेरा कोई बैड डेब्ट होता है, अगर वो रिकवर हो रहा है, बात सुना रही है, बैड डेब्ट क्या हो रहा है, रिकवर। अच्छा बैड डेब्ट रिकवर कैसे होगा, पैसे वापस कर देगा, ठीक है, जब खुद सोचो उसने क्या है पैसे वापस कर दिए, इसका मतलब जो बैड डेब्ट था वो बैड डेब्ट दोबारा से मिल गया मेरे को। देखो भाई जो लॉस हुआ था मेरे पास बैड डेब्ट के नाम का, वो दोबारा खत्म हो गया ना लॉस। अब जैसे मान लो कि मेरे पास क्या था भाई, एक बंदा था राम, ठीक है, राम मेरा डेटर था 10,000 का, कितने का था 10,000, पहले मेरे पास बैड प्रूफ हो गया, ठीक है, पहले क्या बैड डेब्ट हो गया मेरा, ठीक है, उसके बाद मैं इसकी एंट्री क्या पास कर दूंगा भाई, ऐसे करूंगा ना, मतलब कि बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट और टू राम अकाउंट, ठीक है, ये बात पड़ेगी कितने कितने से, 10,000 से, बताओ यहां तक दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब मान के चलो कि भाई उसने ना पेमेंट वापस कर दी मेरे को, मुझे थोड़ी देर क्या पता लगी भाई पेमेंट वापस कर दी, ठीक है, तो अब क्या समझूंगा मैं, जो मेरा बैड डेब्ट हुआ था ये लॉस था, लॉस बढ़ता डेबिट करते और कम होता है तो क्रेडिट, ऐसा होता है ना तो लॉस बढ़ गया उसको मैंने कर दिया डेबिट, ठीक है, तो कम होगा तो क्या करूंगा क्रेडिट, ठीक है भाई, इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्या चेंज हो जाएगा, बैड डेब्ट रिकवर्ड, बात समझ आ रही है। देखो भाई इस तरीके से है ना, अगर मेरे पास कहेगी कोई भी लॉस है, अगर लॉस मेरे पास होता है इंक्रीज तो उसको हम डेबिट कर देते हैं, ठीक है, और अगर डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं इसको क्रेडिट करते हैं, बताओ ये बात समझ आ रही है, लॉस इंक्रीज हुआ लॉस बढ़ा तो डेबिट, और लॉस डिक्रीज हुआ कम हुआ तो क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पहले मेरे पास लॉस बढ़ गया, अब मान के चलो कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि जो राम था मेरे पास, ठीक है, 10,000 का जो डेटर था, ठीक है, क्या था, जो 10,000 का डेटर है, ठीक है भाई, हुआ ऐसा कि अभी ना मेरे पास क्या है कि रिकवर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बैड डेब्ट रिकवर्ड हो गया, बताओ ये बातें समझ में आ रही है। अगर बैड डेब्ट रिकवर्ड हुआ जो भाई जिस नाम से मेरा लॉस बढ़ा था, ठीक है, वो लॉस मेरा कम नहीं हो जाएगा, बताओ ऐसे ही होगा, बस उसका नाम चेंज हो गया। जैसे मान लो मैंने कहा परचेस की एंट्री करवाई, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसा होता है, अगर वो बंदा मेरे को सामान वापस करता क्या करता हूँ मैं, परचेस रिटर्न कर देता हूँ ना परचेस को। अब दूसरा मान लो सेल्स है, ठीक है, सेल्स है, अगर मेरे पास सेल वापस कर देते हैं, अगर जो कोई बंदा है तो उसमें सेल्स रिटर्न लिखता हूँ ना, ठीक है, वैसे ही इसके अंदर बैड डेब्ट है ना, तो बैड डेब्ट क्या लिखूंगा, बैड डेब्ट रिकवर्ड, ठीक है। तो भाई देखो मेरे पास क्या पैसे आ गए होंगे, ये बात समझ रहे हो ना, ठीक है, तो मेरे पास क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, कैश या फिर बैंक, ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर सकता है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, 10,000 और टू बैड डेब्ट रिकवर्ड, बताओ भाई इस एंट्री में किसी को दिक्कत हो तो है, किसी को दिक्कत, पहले इतना नोट डाउन कर लो फिर जाके थोड़ी सी थ्योरी वगैरह लिखवाता हूं। छापो भाई से और करोगे रात में चैटिंग, करण कल टेस्ट है बताया ना, कल टेस्ट है बताया ना, ओ हिस्ट्री का भाई, हिस्ट्री का बोल साइंस का, बोल साइंस का, अबे 3 तारीख को टेस्ट नहीं है, बुधवार कैंसिल करके निकल जाता था। देखो भाई को हल्के में ले रहा तू, वो तो वही बात हो जाएगी, क्या बोलते हैं वो फिजा के, वो बोलेगी रश्मि वगैरह तुक्का लग गया था पहली बार तो कह रहे थे क्या हो जाएगा,
हो गया भाई। चलो भाई करो ना, ओ करण बस सुनो भाई, अरे ओ अब देख जाओ आगे। सुनो भाई देखो अब ना इसके आगे समझो एक बार। अरे भाई साहब क्या हो रहा है ये। अच्छा देखो पूरी रिश्तेदारी निभा लेगा। सुनो भाई देखो यहाँ पे जो मेरे पास बैड डेब्ट रिकवर है ना वो भी दो टाइप से हो सकता है, ठीक है। जो बैड डेब्ट रिकवर है वो क्या है, दो टाइप से, एक तो फुल्ली ठीक है, दूसरा क्या पार्टली। अर्जुन वाली यहाँ रखी थी, वो बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं उससे। सुनो भाई देखो एक क्या है फुल्ली है और दूसरी क्या है पार्टली है। भाई देखो अगर मान के चलो फुल्ली है ठीक है तो उस पर क्या एंट्री करूंगा, सिंपल सी मान के चलो मेरे पास कोई भी एक डेटर था ठीक है, 10,000 का डेटर था, वो क्या रिकवर हो गया ठीक है, तो इसमें एंट्री करूंगा उसने कैश या बैंक से पेमेंट कर दिया मेरे पास ठीक है, तो यहाँ पे क्या एंट्री करूंगा मैं, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट ठीक है और टू डेटर अकाउंट। बताओ भाई ये बात समझ आ रही है। देखो अपना अगली बात करते हैं पार्टली की ठीक है भाई। पार्टली में क्या मान के चलो 10,000 का डेटर था ठीक है, कितने का डेटर था वो, 10,000 का डेटर था ठीक है। अपना उसने क्या करा भाई, मतलब कि बोला कि भाई 2,000 नहीं दे पाऊंगा ठीक है, मतलब कि देखो जो रिकवर हो रहा है ना वो ठीक है, कह रहा कि 2,000 तेरे को बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा, 8,000 तेरे को दे रहा हूँ मैं ठीक है। तो भाई हम इसमें इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, 2,000 की कोई एंट्री करेंगे ही नहीं ठीक है, जितना रिकवर हो रहा है ना बस उसकी एंट्री कर देंगे ठीक है। 8,000 और रिकवर सेम एंट्री, यही एंट्री होगी कैश अकाउंट मतलब कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 ठीक है और टू डेटर अकाउंट। बताओ भाई इसमें किसी कोई दिक्कत, सबसे सिंपल सी एंट्री है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। उसके बाद भाई पेज नंबर 8.29 निकालना, उसमें लिखा हुआ है बैंकिंग ट्रांसैक्शंस। निकाल लो, ये दिखा सबको ये वाला, ये यहां देखो एक जो 8.29 है पेज नंबर, ये सारी सारी एंट्री, ये पहले साइड में ट्रांसैक्शन लिखी है और इस साइड की एंट्री। बुक लिया तुम दोनों भाई, अरे हाय बिजनेस करोगे वही थोड़ा बुक दे देना पीछे उन्हें। हाय भाई सुनो तुम नहीं लाता इसको अभी, हां मैं कहां मैं इला भी नहीं हूं, ये किसी ने आ रहा है, किसी ने बुक में रखा दिया इसको या तो इधर से किसी ने दिया है, वो है ना सूरज यही काम करता है। नहीं स्टैंड किसने लाया था अभी, हाथ से लाया था, बोल नहीं सकते मेरी भी जिद करवा दे तो मेरा नाम से कमेटी कौन सा क्या काम दिया भाई बता दो, चालू हो गया। सुनो भाई अगला देख जाओ एक बार, पहले ये बात सुनाई सबको, ऐसी एंट्री आएगी तो कर लोगे ना आराम से ठीक है। भाई अगली हेडिंग जो तुम्हारे पास है, दो ट्रांसैक्शन करवा दी स्पेशल वाली, तीसरी देख लो। अच्छा सुनो सबको ये वाली एंट्री याद है, जब मैं क्या है कि ये चीज करवाता हूँ, जिससे मान लो कि मैं जो गुड्स है ना ठीक है, जो भी सामान वगैरह ठीक है, वो क्या हुआ है कि हमने किसी को ये मान लो, ये फिर मान लो जो ड्राइंग कर दी गई गुड्स की ठीक है, जो ऑनर है ना कंपनी का, उसने सामान निकाल लिया है। देखो सबसे पहले ड्राइंग की तो मैं एंट्री बताऊं, ड्राइंग की एंट्री क्या होती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट ठीक है, मान लो 10,000 का है
देखो अगर उसने कैश निकाला होगा तो मैं टू कैश लिख दूंगा, ठीक है। अगर उसने गुड्स निकाला होगा तो परचेस अकाउंट, ठीक है, सेल्स नहीं होता, ठीक है। और अगर उसने कोई असेट्स निकाली होगी, ठीक है, अगर कोई असेट्स, अच्छा यहाँ पे कैश ने गुड्स निकाला होगा, ठीक है, और अगर उसने मान के चलो कि उसने क्या है कि कोई असेट्स निकाला है, ठीक है, तो उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। जैसे मान लो कोई सभी असेट्स है ना, तो क्या लिखेंगे इसका नाम, असेट्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो इस तरीके से, जैसे मान लो फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर हो गया, या फिर बिल्डिंग उसने ले ली, ठीक है। तो अगर कोई सभी असेट्स आता तो हम उसका नाम लिख देते हैं। बताओ ये बात समझ में आ रही है, बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ना इसी सेम तरीके से अगर हमारे पास कभी भी हमारा जो परचेज है फर्नीचर है या फिर कैश है, हम किसी को देते हैं ना भाई, इसको क्रेडिट कर देते हैं, बात समझ में आ रही है। मतलब देखो सिंपल सी चीज है कि अगर मैं कभी भी कोई सी जो अपनी असेट्स है वो किसी को भी दे रहा हूँ, ठीक है, किसी को भी दूंगा ना, उसमें क्या ले दूंगा मैं, उसको नीचे, देखो मैंने किसी को कैश दिया तो क्रिएट करूंगा उसे, किसी को अपना स्टॉक दे दिया तो उसको क्रिएट कर दूंगा, ठीक है, फर्नीचर अपना दे दिया तो उसको क्रिएट करूंगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भाई। जब भी हम क्या करते हैं कि कोई सा फर्नीचर वगैरह मान लो हम किसी को दे रहे हैं, ठीक है, उन सबको हम क्रेडिट करके ही चलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें। मान लो कि मैंने राम को दिया राम अकाउंट, ठीक है, ऑनर को दिया होगा ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। अब मान के चलो भाई मैंने इसको मैंने चैरिटी में फ्री में बांट दिया, फ्री में बांट दिया, ठीक है, तो फ्री में बांटते हैं वो क्या बोलते हैं, डोनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, डोनेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब मान के चलो, अच्छा इसमें गए हो क्या बोलते हैं बिग बाजार वगैरह में गए हो, तो वहां पे ना तुमने देखा होगा लिफ्ट के साइड में ना एक ना वो कहता है कॉर्नर से लेके बैठती है, सबको जूस टेस्ट करवाती है सर पियो, ठीक है, एक एक बार मतलब छोटा छोटा वो टेस्ट करवाती है, ठीक है, ताकि अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम खरीद लो, ठीक है, ये चीज है। तो भाई ये जो वो क्या कर रही है, बांट रही है ना फ्री में, ठीक है। अच्छा इधर की कॉलोनी में नहीं बटता, ठीक है, यहाँ लोग बाल्टी भर लेंगे फिर जाके, ठीक है, थोड़ा जो स्टैंडर्ड एरिया होते हैं ना वहाँ पे बांटा जाता है, ठीक है, ताकि लोग क्या है कि देखो ऐसा होता है इतने जैसे मान लो अगर इतनी बड़ी मान लो कोई सी भी बोतल है, ठीक है, तो उसका इतना छोटा सा डब्बा देंगे फ्री में, इतना छोटा डब्बा क्या है फ्री में बांटेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा लोग उसे टेस्ट करेंगे, ठीक है, टेस्ट करेंगे, अच्छा ये वाला डब्बा है तो वही मंगवा लेंगे वो, इस तरीके से उस पर नंबर वंबर सब लिख देंगे, नीचे लिखा था नॉट फॉर सेल, ठीक है, उस पर कॉल करते तो कॉल करते वो क्या कि ऑर्डर हमें घर पर दे, इस तरीके से होता है। तो अच्छा ये मैंने क्या किया, अगर फ्री में बांटा एडवर्टाइजमेंट हुआ है ना मेरा एक तरीके से, ठीक है, तो अगर मैं क्या करता हूँ कि किसी को ऐसे बांटता हूँ, मान लो एडवर्टाइज करता हूँ, ठीक है, फ्री सैंपल, ठीक है, अगर किसी को फ्री सैंपल दे रहा हूँ ना तो वो क्या होता है मेरे पास एडवर्टाइज मतलब एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे टू परचेस अकाउंट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई इसके अंदर। अब यही एंट्री करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, देखो भाई तीसरा डाल लो गुड्स गिवन एज एज चैरिटी, देखो सिंपल सी बात है। अच्छा अगर ये बताओ ऐसा हो जाए सामान जल जाए, जल के पूरा खराब हो जाए, तो इसमें क्या एक लॉस हो गया एक टाइप का, ठीक है, तो ये हमने सामान किसको दिया है, किसको दिया है, जल जल गया ना पूरा वो, ठीक है, तो किस नाम का लॉस बढ़ा होगा मेरा, जल गया है, ठीक है, तो गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, ऐसा बोल सकते हैं ना, तो गुड्स अच्छा लॉस का नाम क्या है यहाँ पे, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, ठीक है, अच्छा चोरी हो गई तो गुड्स थेफ्ट बोल सकते हैं ना, ठीक है, मतलब कि या फिर बोल सकते हैं गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, मतलब कि चोरी के द्वारा हमारा जो गुड्स है वो लॉस्ट हो गया, तो ये मेरे पास लॉस के नाम है, ठीक है, तो इस लॉस के नाम को डेबिट कर दूंगा, और क्या कम हुआ होगा मेरे पास, परचेस कम हो गया होगा ना, तो परचेस को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। हमें ध्यान रखना है हमारा गुड्स कहाँ जा रहा है, ठीक है, अगर किसी बंदे को दे रहे हैं तो उसका नाम डेबिट कर देंगे, ठीक है। और मान के चलो कि अगर ऐसा हुआ कि हमने किसी को बांट रहे हैं उसको डेबिट कर देंगे, या फिर मान लो कहीं पर किसी चीज़ में लॉस हो गया हमारा सामान, ठीक है, जो मेरा जो गुड्स है वो क्या जल के खाक हो गया, ठीक है,
तो उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से समझ रहा है, इसमें क्या है मेरे पास, गुड्स गिवन एज अ चैरिटी और डोनेशन, ठीक है। तो मैं पता इसकी एंट्री क्या कर सकता हूँ, या तो पूरा दूंगा गुड्स गिवन एज अ चैरिटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, या सिर्फ चैरिटी अकाउंट डेबिट, या फिर डोनेशन अकाउंट डेबिट, इन तीनों इन सब में से कुछ भी लिख सकता हूँ। देखो क्या क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर तुम एग्जाम में याद ना रहे तो, पहला है मेरे पास गुड्स गिवन एज चैरिटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, या फिर दूसरा चैरिटी चैरिटी अकाउंट डेबिट, या फिर अगला क्या लिख सकते हैं, डोनेशन डोनेशन, और तेरे क्या लिख दिया, डोनेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है भाई, ये सब लिख सकते हैं डेबिट में। हमारा क्या कम हुआ है, परचेज कम हुआ है ना, तो टू परचेज अकाउंट। बताओ भाई इसमें कोई दिक्कत आ रही है, सिंपल से एंट्री है तो, ठीक है। अब ना उसके बाद जैसे मान लो अगला, अच्छा मैंने बताया अगर मैं गुड सैंपल की तरह दूंगा तो उसको उसको क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं ना। देखो तो अगला हमारे पास जो है ना, जो फोर्थ है वो है गुड्स गिवन एज सैंपल, ठीक है। देखो भाई अब ना हमारे पास क्या है कि अगर हमने क्या है कि गुड्स एज अ सैंपल दिया है, ठीक है, तो मैं क्या समझूंगा, मैंने क्या किया है वहां पे, एडवर्टाइजमेंट किया है ना, ठीक है, तो क्या कर दूंगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो क्या लिखेंगे यहां पे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है भाई, सबको नेशन लिखनी आ गई ना, किसको नहीं आई बता, नेशन लिखनी तो सिंपल सीजन सर के अंदर। तो भाई अगला है लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर, ठीक है, मेरे पास क्या है कि या तो थेफ्ट है या फिर बाय फायर, ठीक है, यहाँ पे है लॉस ऑफ गुड्स लिखा आ सकता है या फिर स्टॉक लिखा हुआ सकता है, ठीक है, बाय थेफ्ट और फायर, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, जो सामान कहाँ बर्बाद हुआ है हमारा, या तो चोरी कर लिया किसी ने या आग लग गई, ठीक है। तो इसमें देखो अगर मेरे पास मान लो अगर सिर्फ चोरी हुई है, ठीक है, अगर हुआ है बाय थेफ्ट, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या पास कर देंगे, गुड्स या फिर लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट, लॉस ऑफ गुड्स भाई गुड्स के बदले स्टॉक भी ले सकता है, ठीक है, तो लॉस ऑफ गुड्स बाई थेफ्ट अकाउंट क्या हो रहा है भाई, डेबिट और टू टू परचेज अकाउंट, ठीक है। अगला क्या है, अगर मेरे पास बाई फायर है तो, ठीक है, फायर में क्या एंट्री कर देंगे, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बताओ भाई ये सारी बातें सबको समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। देखो मैंने सिर्फ क्या एंट्री करवाई है, जब हमारा सामान बर्बाद हो जाता है, ठीक है। अब सुनो भाई, देखो अब ना हमारे पास जो, अच्छा इन सब में सबसे आसान कौन सा लग रहा है, लास्ट वाला ये टफ है सबसे ज्यादा, आ जाओ, हाँ हाँ लिख लिया यहां तक, भाई एक चीज थोड़ा ध्यान रख के चलना कि जब भी हमारे पास ना हमारा सामान आ रहा है, मतलब कि जो स्टॉक है गुड्स है आ रहा है या जा रहा है, हम उसको परचेज लिख के चलेंगे, सेल किया हो, सेल दिख गया।
नहीं वो चीज़ नहीं कह रहा, मतलब कि अगर हमारा स्टॉक जो है, स्टॉक वो चीज़, जैसे मान लो स्टॉक मैंने क्या कि ख़रीदा, तो हम परचेज लिखेंगे, वापस किया तो परचेज रिटर्न लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे सामान बर्बाद हो गया तो सब क्या परचेज बर्बाद हुआ है मेरा, ठीक है। भाई हो गया यार पूरा, अब सुनो भाई, तुम सबने ना एक बात सुनी होगी, कौन सी बात सुनी भाई, बोला ना एक क्या बोलते हैं इसको, अरे यार टेस्टर क्यों लाओगे तुम, हाँ यही रीजन है मेरे पीछे, मैं लाता नहीं हूँ चीजों को, टेस्ट पेपर है हमारे, तो किसने हाथ मोड़ दिया, अरे भाई दे दे आओ। सुनो भाई, फिर तुम समझना एक बात सुनी होगी कि जैसे मान के चल लो, इंश्योरेंस के बारे में सुना है। देखो पता क्या होता है, जब भी ना कोई बंदा होटल ढाबा वगैरह कुछ भी खोलता है, ठीक है, दुकान खोल ले या फिर मान के चलो उसने कुछ भी करा होता है ना, तो वो क्या है उसका इंश्योरेंस करवा के चलता है, ठीक है। अब समझो नैन्सी, किसका छाप रहे हो ये, देखो भाई अब क्या है हमारे पास कि जैसे मान के चलो मेरा क्या है कि सामान है, ठीक है, तो सामान जो मेरे पास दो तरीके से हो सकता है भाई, कोई भी कंपनी होती है ना वो सामान बनता है उसका इंश्योरेंस करवा लेती है, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई पूमा की जो जैसे मान लो कंपनी है, ठीक है, उसने क्या जूते बनाए, तो वो जैसे ही उसके जूते पूरे रेडी जाएंगे पूरा स्टॉक बन जाएगा उसके, वो इंश्योरेंस करवा लेगी, क्योंकि उसे जैसे मान लो चलो लेदर की बात करते हैं, ठीक है, लेदर क्या है कि गर्मी के मौसम में बनता है, ठंडी के मौसम में बिकता है, ठीक है, तो जैसे ही उनका सामान बन के तैयार हो जाएगा ना उसका इंश्योरेंस करवा लेते हैं वो, ठीक है, तो ताकि पूरी मतलब कि ठंड में क्या वो बेचे और अगर गलती से आग लग जाए सारा पैसा कौन देगी, इंश्योरेंस कंपनी देती है, ठीक है। आप सुनो अगला ये होता है कि जो बड़ी बड़ी कार की कंपनियां होती है ना, ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे ना मान लो कार की कंपनी है, ठीक है, उसमें आग लग जाए, वो बाहर मस्त खड़े होकर देखेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पता बचाने के लिए कौन आएगा, इंश्योरेंस कंपनी वाले बस उसे कॉल मारते हैं, हाँ भाई आग लग गई, ठीक है, अच्छा आग लग गई, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो पागल जाए कंपनी वाले, ठीक है, क्यों प्रॉफिट, जैसे मान के चलो कि तुम्हारे पास मान लो 10 लाख की कार है, ठीक है, तुम उसका इंश्योरेंस कराओगे कम से कम 5 लाख का, जितने का कराओगे ना इंश्योरेंस उतने तुम्हें रुपये मिलेंगे, ठीक है। अब वो बोलेगा कंपनी वाला, इंश्योरेंस कंपनी वाला कि भाई मैम तुम्हें हर महीने ना 10-10 हज़ार रुपये हमें देने हैं, ठीक है, बाकी तुम्हारी गाड़ी का हम ख्याल रखेंगे, ठीक है। अब ऐसा होता है कि मान के चलो कि जो 10 हज़ार रुपये उसने मान लो दिए, तुम मान लो तुमने दिए, ठीक है, तो अगर तुमने करवाया 5 साल का इंश्योरेंस, 5 साल में तुम्हारी गाड़ी पर मान लो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, वो सारे पैसों के ये चीज़ है, ठीक है। अब देखो भाई सुनो, अच्छा वैसे इंश्योरेंस ना तुम्हारी बिजनेस की बुक के अंदर है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ाऊंगा ठीक ठाक से। देखो अब ना हम बात करते हैं हमारे पास, मैं सुनो मैंने क्या बताया था कि जो गुड्स होते हैं ना, ठीक है, दो टाइप के होते हैं, ठीक है, जो जब भी कंपनी के अंदर स्टॉक होते हैं वो क्या है दो टाइप से रखे होते हैं, ठीक है, कैसे रखे होते हैं देखो, जो स्टॉक होते हैं एक होते हैं हमारे पास इंश्योर्ड, दूसरे होते हैं अनइंश्योर्ड। इंश्योर्ड का मतलब होता है इंश्योरेंस डन है, ठीक है, इंश्योरेंस डन, इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं विद इंश्योरेंस, ठीक है, ये क्या भाई हमारे पास विद इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के साथ है। दूसरा मेरे पास क्या है अन इंश्योर्ड, ठीक है भाई, इसका मतलब क्या मेरे पास विदाउट इंश्योरेंस, देखो भाई जब ना हमारे पास ना देखो अगर जो सामान है, ठीक है, अगर उसका इंश्योरेंस नहीं हो रखा है तो भाई हमारा सिंपल क्या एक ही एंट्री पास करेंगे, ठीक है, कौन से एंट्री पास कर देते हैं, गुड्स लॉस्ट बाय फायर या फिर थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है, क्या आ जाएगा मेरे पास गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट और टू परचेज अकाउंट, ठीक है भाई, ये एंट्री हम सिंपल पास कर देंगे, सब कुछ खत्म, ठीक है। दूसरा अगर इंश्योरेंस हो रखा है सामान का, ठीक है, जो मेरे पास सामान है उसका इंश्योरेंस हो रखा है तो उसके अंदर भी दो केस आते हैं, ठीक है,
अगर क्या है कि जो उसका इंश्योरेंस हो रखा है तो इसमें दो केस आते हैं भाई। आप समझो हमारे पास ना इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है। देखो भाई, ऐसा हो सकता है कि उसका 50 लाख का सामान हो, उसने सिर्फ 25,000 का इंश्योरेंस करवाया हो सकता है, ठीक है। दूसरा केस ऐसा आ सकता है कि उसने उसका सामान था 50,000 का, ठीक है, लेकिन ना इंश्योरेंस कंपनी वाले ने बोला कि भाई तुम्हारा सिर्फ 25 लाख का सामान जला है, 25 लाख का बाकी है, ठीक है। या फिर देखो ऐसे मान लो कि देखो पहला क्या केस क्या हो सकता है कि उनका 10 लाख का सामान था, ठीक है, और जो इंश्योरेंस करवाया है ना, ठीक है, जो इंश्योरेंस करवा रखा है वो सिर्फ करवा रखा है उन्होंने, मान लो सिर्फ 5 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है, तो सिर्फ इतना इंश्योरेंस मिलेगा उसे, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि भाई मेरे पास क्या है कि जो 10 लाख का सामान है, 10 लाख का भाई पूरे का पूरे का इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है, वो क्या है उसने पूरे के पूरे 10 लाख का इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है। ये दो बातें समझ में आ रही है, एक तो क्या है कि उसने सिर्फ इंश्योरेंस 5 लाख का करवा रखा है, दूसरे में उसने पूरे पूरे 10 लाख का इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है। अब सुनो भाई, पता है ऐसा हो सकता है कि देखो सुनो इस तरीके से, अगर मेरे पास मान लो 10 लाख का उसने इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है, मतलब 10 लाख का सामान है, उसने 5 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, उसे सिर्फ 5 लाख का रिकवर मिलेगा, ठीक है, इंश्योरेंस जो है वो कितने का मिलेगा, सिर्फ 5 लाख का मिलेगा, ठीक है। दूसरा समझो भाई, 10 लाख का इंश्योरेंस है, उसने 10 लाख का करवा रखा है, उससे कितने का मिलेगा, 10 लाख तक का मिलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर भी ना केस बन सकते हैं, क्या केस बन सकते हैं भाई, वो बंदा हमसे बोल दें भाई तक बात ऐसी है जो तेरा 10 लाख का सामान है ना, हमें उससे मतलब नहीं है, तेरा बर्बाद कितने का हुआ है वो बता, 10 लाख का सामान है, ठीक है, तो उसने बोला भाई सिर्फ मेरा इसमें क्या है कि 3 लाख का बर्बाद हो गया, ठीक है, ये इतना क्या डिस्ट्रॉय हुआ है, ठीक है, 3 लाख का बर्बाद हो गया, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ कितना देगी, 3 लाख रुपए देगी, ठीक है, बात समझ आ गई। उसके बाद अगला हमारे पास क्या है कि ऐसा हो सकता है कि भाई इंश्योरेंस कंपनी को लग रहा है ठीक है भाई पूरे का चल गया है, पूरा बर्बाद हो गया, तो इस टाइम क्या हो, पूरे के पूरे 10 लाख रुपए दे देगी, ठीक है। लेकिन बता क्या होता है, कभी कभार ना इंश्योरेंस कंपनी को सबूत चाहिए होता है, ठीक है, मतलब वो बोलते भाई सबूत दिखा, तेरा क्यों चला है, कहीं तूने छुपा के रख लिया, तूने यहाँ पर कुछ और चला दिया हो, भाई ऐसा होता है भाई, पता लोग क्या करते हैं, मान लो कि वहाँ पे जूते भर देंगे, ठीक है, और जो सड़े गए जूते वो ला के रख देंगे और आग लगा देंगे, भाई आग लग गई, एक जूता बोल देंगे, एक जूता हमारा 50,000 का था, ठीक है, चलो भाई क्लेम लाओ, बोलेंगे सबूत दिखा, क्या सबूत है, तेरे जूते हैं, ठीक है। उस टाइम होता है ऐसा है कि अगर तुम्हारा पूरे का पूरा 10 लाख का भी मतलब तुमने इंश्योरेंस करवा रखा है ना, अगर तुमने पूरे 10 लाख का भी इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है, और तुम अगर उसे सबूत नहीं दे पाए, ठीक है, अगर तुम उसको क्या है कि सबूत नहीं दिखा पाए, तो सिंपल सी बात है कि भाई वो बोलेगा देख हमारे हिसाब से ना सिर्फ तेरा 2 लाख का लॉस हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से क्या सिर्फ 2 लाख का लॉस हुआ है, तो अगर उस 2 लाख का लॉस हुआ है कंपनी सिर्फ कितने का लॉस झेलेगी, 2 लाख का लॉस झेलेगी, ठीक है, और बाकी जो है ना 8 लाख, ठीक है, वो हमारे पास क्या है कि गुड्स लॉस्ट बाई फायर या फिर इस तरीके की एंट्री पास कर देते हैं। बताओ कितनी बात समझ आ रही है, ठीक है। अब ना अच्छा भाई इसमें तुम्हें तो बेस बताया, अब इसकी ना एंट्री पास करवाता हूँ, कैसे कैसे इसकी एंट्री करते हैं, ठीक है, इससे पहले नोट डाउन कर लो स्पीड में। देखो भाई इसकी जो तुम्हारे पास सबके मतलब कि लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर और थेफ्ट है, इसकी मैं क्या है थोड़ी जो अकाउंटिंग एंट्रीज है, ठीक है, वो बता दे रहा हूँ कि इसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी कैसे। देखो सबसे पहले जो तुम्हें ध्यान रखना है कि हमारा पहली एंट्री पता क्या पास होती है, जिससे मान के चलो कि मैं तुम्हें बताया था लॉस बाई थेफ्ट और जो फायर है, ठीक है भाई, इसके अंदर हम क्या क्या एंट्री पास कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो जो पहली एंट्री ना भाई हमेशा होगी ही होगी, जितने का सामान हमारा जला है ना, ठीक है, बर्बाद हुआ है, खोया है या फिर चोरी हो गई, ठीक है, उसकी पहले एंट्री कर देंगे इस तरीके से, लॉस ऑफ स्टॉक या फिर गुड्स बाय थेफ्ट और फायर,
अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू परचेस अकाउंट। देखो भाई ये एंट्री तो सब में करोगे करोगे, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी एंट्री होती है ना उसमें हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। क्या ऑप्शन है? जो सेकंड एंट्री है वो हमारे पास है इंश्योरेंस क्लेम की, अब देखो भाई, देखो जो हमारे पास जो सेकंड एंट्री वो किस चीज की? इंश्योरेंस क्लेम की है। ये क्या दो तरीके से हो सकती है, ठीक है, दो तरीके से एंट्री कैसे होगी? एक तो मेरे पास पार्टली वाली और दूसरी फुल्ली, इस तरीके से होगा ना। अब ना मान के चलो जो मेरा लॉस हुआ है वो है 10,000 का, कितने का है? 10,000 का लॉस हुआ है, ठीक है। अब देखो तो भाई जो मेरे पास इंश्योरेंस, अच्छा पहले मेरे पास गुड्स बता दी मैं, दो टाइप्स होते हैं, एक मतलब कि मान लो इंश्योर्ड होता है, दूसरा अनइंश्योर्ड है। हम कौन सा लेके चल रहे हैं? इंश्योर्ड वाला। अनइंश्योर्ड वाले की दोस्त पहली एंट्री होती है बस लॉस ऑफ गुड्स बाई फायर, ठीक है, और टू परचेस अकाउंट। अनइंश्योर्ड वाले की बस पहली एंट्री होती है, ठीक है, लेकिन इंश्योर्ड वाले में क्या है, दूसरी एंट्री क्या होगी? हमें इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, ठीक है। वो भी क्या है, दो तरीके से मिल सकता है, एक तो पूरा का पूरा मिल जाए और दूसरा पार्टली, ठीक है। तो पहले मैं मान के चलो भाई मुझे ना पूरा का पूरा क्लेम मिल गया, ठीक है, पूरा 10,000 का क्लेम मिल गया, ठीक है। दूसरे में बता क्या एंट्री हो जाएगी? जो दूसरे में हमारे पास है सिर्फ मान लो 6,000 का क्लेम मिला है, बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? इतना पता लिख लो, क्या हो गया बच्चा रो रहा है किसी का? भाई रिकॉर्डिंग चल रही है, क्या कर रहे हो? दो टाइप से मिलता है, एक 10,000 का और दूसरा 6,000, मतलब कि एक फुल्ली मिलता है दूसरा पार्टली है, ठीक है। तो देखो फुल्ली में सबसे पहले क्या करेंगे, देखो अच्छा जो लॉस हुआ है वो कम हो जाएगा, ठीक है, जो लॉस हुआ है वो पहले देखो लॉस बड़ा था मैंने डेबिट कर दिया था, अब कम होगा तो उसे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब ये लॉस कौन झेलेगा? इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी क्या डेटर बन जाएगी? देखो कुछ सोचो, देखो होता ऐसा है कि जैसे मान के चलो अगर लॉस हो गया ना, ठीक है, तो कंपनी हमें ये नहीं बोलती है साथ में कैश लेके आते हैं ये लो भाई तुम्हारा कैश, ऐसा नहीं होता। पहले वो क्या हमारा डेटर बन जाएगी पहले वो, ठीक है, पहले क्या बन जाएगी हमारा डेटर। डेटर बनने के बाद वो छानबीन करेगी, उसके बाद जाकर पेमेंट करती है, ठीक है। तो देखो भाई जो मेरा लॉस था पहले वो तो कम हो गया, ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी क्या बन गई हमारी? डेटर बन गई, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डाल देंगे डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट और टू क्या भाई हमारे पास लॉस ऑफ स्टॉक या फिर गुड्स, ठीक है, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट, ठीक है। कितने से है भाई? 10,000 से क्लेम। बताओ भाई पहले इतनी मस्त में आ गई? हाँ भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बस क्या है यहाँ पे जो, अरे यहाँ देखो जब मेरे पास जो इंश्योरेंस कंपनी का जो क्लेम है, ठीक है, इसने मुझे कितने रुपए की पेमेंट कर दी होगी? इसने मुझे कितने की पेमेंट करी होगी भाई? अरे यार इसकी 10 की पेमेंट करी होगी, ठीक है। तो इसने जो हमें 10,000 की पेमेंट करी होगी, तो पहले डेटर था ये, ठीक है, डेटर कम हो जाएगा, मेरे पास बैंक में बैलेंस पड़ जाएगा, भाई हमेशा बैंक में ट्रांसफर करती है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? बैंक अकाउंट डेबिट और टू इंश्योरेंस कंपनी, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट,
बताओ भाई, ये बातें समझ में आ रही है? पहले इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है एंट्री में? देखो, जब मेरे पास फुल्ली इंश्योर्ड होती है, एंट्री इस टाइप की होगी, ठीक है? देखो भाई, अब यहां देख जाओ, अगर पार्टली इंश्योर्ड है ना, उसकी एंट्री किस टाइप से होगी वो चीज देख जाओ। देखो भाई, वो क्या मेरे पास ना सीधा पेमेंट कर देगा आगे। देखो इसके बाद जो अगली एंट्री क्या होगी, ठीक है? जैसे मान के चलो, जो जब मेरे पास 6000 का है ना, तो सेम एंट्री करेंगे पहले, ठीक है? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है? यहाँ पे कितना लगा? 6000, ठीक है? यहाँ भी 6000, लेकिन जो नीचे की एंट्री ना वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। अच्छा, पेमेंट कितने करेगा हमें वो, ठीक है? पेमेंट कितने करेगा? देखो पहले पहली एंट्री समझ में आ रही है? सुनो भाई, 6000 तो उसने 6000 का डेटर बनाए, तो पेमेंट कितने? 6000 ही करेगा ना वो। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है? बैंक का वो हमारे मतलब जो हमारा बैंक अकाउंट है वो डेबिट हो गया, ठीक है? कितने से हुआ भाई? वो क्या हो रहा है, जादू वादू हो रहा है, ठीक है? सुनो, अरे देखो, 6000 से हमारा क्या है कि बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हमारा लॉस कितने का हुआ होगा? लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट, ठीक है? वो कितने से जाएगा? 4000 का, ठीक है? अब सुनो यहाँ पे, देखो भाई, अपना जो हमें लास्ट बात जो ध्यान रखनी है ना, वो है क्या भाई? देखो, पेमेंट की बात ना अलग आ जाती है, जो इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, हमारा लॉस टोटल कितने का था? लॉस टोटल कितने का था? अरे टोटल 10000 का लॉस था, ठीक है? तो एक चीज ध्यान रखना, जब सिर्फ पेमेंट की बात आती है, देखो एक तो मेरे पास क्या है कि इस जगह जैसे इंश्योरेंस कंपनी मेरे डेबिट हुई है, ये कितने अमाउंट से हो जाएगी पता है? इसमें हमेशा हमें टोटल लॉस लिखना है, ठीक है? अगले वाले में जो एंट्री करेंगे, जो पेमेंट वगैरह की जो एंट्री होगी, ठीक है? देखो इसमें क्या लिखना है हमें? टोटल लॉस है, ठीक है? तो देखो, टोटल लॉस कितने का था? 10000 का। टोटल लॉस कितने का हो गया? 10000 का, ठीक है? अगले वाले में बैंक से क्लेम कितने का मिला? अच्छा, मैंने देखो स्टार्टिंग में क्या बताया था, पहले बैंक वाले वो कंपनी इंश्योरेंस वाले क्या करते हैं भाई, पहले पूरा देखते हैं। अच्छा, इतने का सामान था, पहले देखते हैं टोटल लॉस कितने का है, ठीक है? उसके बाद वो छानबीन करते हैं, उसके बाद पेमेंट करते हैं ना, ठीक है? तो छानबीन करने के बाद उन्हें पता लगा भाई, सिर्फ 6000 की तेरी बात बन रही है, 6000 ले जा हमारे पास से, ठीक है? 6000 का ले जा, बाकी तेरा 4000 का लॉस तेरा खुद का रहेगा, तूने उसमें कुछ घोटाला किया है, ठीक है? उसके बाद मेरे पास क्या है? टू इंश्योरेंस कंपनी, टोटल 10000 की। देखो भाई, जो कंपनी हमारी डेटर बनती है ना, वो क्या बन जाती है? बनती पूरे अमाउंट का है पहले, लास्ट में छानबीन करके जितनी पेमेंट करती है उसके हिसाब से एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है? देखो एक बार दोबारा समझो, है क्या हमारे पास जो इंश्योरेंस कंपनी, देखो टोटल लॉस मेरा 10000 का था, ठीक है? तो 10000 का जो लॉस था पहले भाई, देखो दोनों में ना ये एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है? फुल्ली वाले भी और पार्टली वाले भी, ये एंट्री पास होगी। इंश्योरेंस कंपनी को हम डेटर बना देते इतने का, लेकिन वो पेमेंट कितनी करता है वो बात मैटर करती है, ठीक है? देखो अगर मेरे पास क्या कि पार्टली वाली आती है ना, तो तुम एंट्री क्या करोगे? मोस्टली बस ये वाली एंट्री कर देना, इसको नहीं करोगे तो भी चल जाता है, इसको नहीं करोगे तो भी चला, लेकिन फिर भी एंट्री कर देना, इसकी कोई दिक्कत नहीं आती है। इसमें जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना, उस टाइम आराम से हो जाएगा ये वाला, ठीक है? इस बार नोट डाउन कर लो स्पीड में। भाई सबको फर्नीचर परचेस करने की एंट्री आती है, ठीक है? इसका मतलब अगर तुम कोई सा भी असेट्स वगैरह परचेस करोगे तो उसकी एंट्री कर सकते हो। भाई सुनो,